यदि आपको ए इनवर्स निकालना आ गया वन अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो बेटा एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये पॉइंट है, कभी कभी बुक में दिए रहते हैं तो अपन लिख लेते हैं, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स every invertible matrix processes a unique inverse. यदि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका जो आप इनवर्स निकालोगे ये यूनिक आएगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू आएगा, ठीक है, यूनिक मैट्रिक्स, सॉरी यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स आएगा इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, ऑफ इन्वर्टिबल, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए डॉट बी, देन ए डॉट बी इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल एंड ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स डॉट ए, ठीक है बच्चे, ये दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उनका आप मल्टीप्लाई कराने के बाद इनवर्स निकालो या बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स करो, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। थर्ड पॉइंट लिख लो, इफ ए इज इन्वर्टिबल, इफ ए इज इन्वर्टिबल, इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लो या आप ए इनवर्स पहले निकाल लो देन ट्रांसपोज कर लो, सेम ही आएगा। मतलब यदि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए है तो देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है, उसका जो ट्रांसपोज आएगा वो भी इन्वर्टिबल होगा, एंड ए ट्रांसपोज यदि आप पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका आप ट्रांसपोज निकालने के बाद इनवर्स निकाल लो या उसका पहले इनवर्स निकाल लो देन ट्रांसपोज निकालो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। बोलो बच्चों, यस सर। ये चीज आ गई, आपको मैंने कल इनवर्स निकालना बताया भी था, एक मैट्रिसेस मान लो ले लो, फिर से एक बार देख लेते हैं, आज नोट करना होगा ना अभी आपको, नोट कर लो। यस सर, इधर दूसरा आया सर, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्ट मैट्रिक्स, ठीक है, केवल ये प्रॉपर्टी कभी कभी ज्यादा यूज आपकी आती है, ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी आपको यूज में आती है, और ये भी कभी कभी यूज में लिया जाता है, और ये तो सबको पता होता है कि इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स होती है उसका आप जब इनवर्स निकालोगे वो भी एक यूनिक ही मैट्रिक्स आएगी या यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स आएगी, ठीक है।
नोट हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. Okay. अब देखते हैं अगला। एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं, इसका इनवर्स और देख लेते हैं एक बार। मान लो एक क्वेश्चन लिया गया, ए इक्वल टू मैट्रिसेस 1-1, 1, 2-1-3, 2-1-3 1-3, 1, 1-1 ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड 10B इक्वल टू एक सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है 4-2-2-5-0-α, 1-2-3 ठीक बेटा। यहां पर आपसे बोला गया है इफ B is inverse of A, B is inverse of A, then alpha is, मतलब जो B मैट्रिक्स है वो A का इनवर्स है ठीक है, then alpha is, आपको ऑप्शन भी दिया हुआ A ऑप्शन 5, B ऑप्शन -1, C ऑप्शन 2, D ऑप्शन -2 ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज का भी यूज कर लेना, देख लेना ठीक है। पहले आप ए दिया हुआ है तो पहले इसका ए इनवर्स तो निकाल लोगे ना, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो। आप निकालने के लिए कैसे अप्रोच करोगे? रिद्धि बोलो बेटा कैसे करोगे आप? रिद्धि क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? इसमें पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो पहले आप ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, 1 इसको हटा कितना आएगा 1+3-1-1 इसको हटा क्या आएगा 1+2+3 इसको टा कितना आएगा 2 2 2 फाइनली कितना आ रहा है 4+5 मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना आता है 10 आ गया ठीक है बच्चों। बेटा मॉड ऑफ ए इक्वल टू 10 आ गया आपका, देन आप क्या करोगे? अब यहां पर क्या बोला गया, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं क्या? बी इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है बेटा इसमें, यही होगा कि नहीं होगा बोलो। अब आप सिंपली क्या लिख रहे हो, आप ये जो मॉड ऑफ ए को आप इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और अपन को शायद मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी पता चल गई 10 बी इक्वल टू क्या दिया हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये सिंपली मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इस ए का एडजॉइंट दिया हुआ है, पता चल गया क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 4-2-2-5-0-α, 1-2-3 ये सिंपली दिया हुआ है। लेकिन इधर आपने b equals 1/a into adjacent of a, बेटा b क्या बोला गया, b क्या बोला गया, b is the inverse of a, तो मतलब b को आप a inverse भी ले सकते हो ना, a inverse equal to क्या होगा 1 upon mod of adjoint of a, तो क्या बोला गया यहाँ पर देखो ना, बोला गया ना b is the inverse of a, मतलब हाँ, b equal to, बोला है बाजू में
यहाँ पर तो बेटा आपको यही, अब आप केवल अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है, पता है क्या? तो क्या एडजॉइंट निकालने के लिए क्या पूरा देखोगे क्या भैया इसका पूरे के एडजॉइंट निकालो क्या? नहीं, अपन को थोड़ा स्मार्ट बनना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जब कंपटीशन पूछा जाएगा तो पूरा नहीं निकालना होगा, ठीक है? अपन को स्मार्ट बनेंगे तो क्या करोगे भैया, अल्फा कहाँ पर दिया हुआ है? सीट थ्री टू पे दिया हुआ है क्या? मतलब ये क्या है, आप केवल अल्फा के अराउंड जो है यहाँ पर अल्फा के, अल्फा निकालना है अपन को, तो अल्फा के अलॉन्ग केवल आप इस पर यहाँ माइनस थ्री के अलॉन्ग कर दो आप, तो आ जाएगा वैल्यू क्या आएगा? बोलो बेटा, करो आप लोग सोचो कैसे क्या करोगे, किसी के दिमाग में ट्रिक अप्लाई हो रही कि नहीं जो इजी मेथड है? सर हाँ बोलो बेटा। सर वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी के बाद के स्टेप में आपने क्या लिखा है? 10b 10 डॉट बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना दियो? 10b दियो होगा। हाँ तो मॉड ऑफ ए 10b, 10b इक्वल टू क्या हो गया भैया? 10b इक्वल टू ये क्या दियो, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो 10b इक्वल टू यहां से क्या एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इतना आ गया। अब क्या करोगे, अब कोई बच्चा तो इसका पूरे के एडजॉइंट निकालने में बैठ जाएगा, बट एडजॉइंट आप पूरा निकालने बैठोगे तो पागल हो जाओगे कि नहीं? निकाल तो लोगे यार, बट एग्जाम में पागल हो जाओगे आप लोग। तो पागल ना हो तो केवल अपन अल्फा चाहिए हमें, अल्फा अननोन है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी? थोड़ा सा सोचो फिर मुझसे पूछ लो, नहीं आ रहा था। इसका केवल को फैक्टर ऑफ C32 का को फैक्टर निकाल लो बस आ जाएगा, ठीक है? जागृत कितना है बोलो बेटा, रिद्धि आंसर आया कि नहीं बेटा? 10 कहां से आएगा, 10 तो इसमें दिया ही नहीं। रिद्धि कितना आंसर आया? सर नहीं आया, मैं कर रही हूं। अब इसके बाद तो अब केवल C23 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ कॉलम थर्ड और रो टू का, केवल इसका कोफैक्टर निकालना है, इसका कोफैक्टर नहीं निकाल पाओगे आप? पाई आ रहा है आंसर जी। यस पाई पाएगा, स्मार्ट बनो, आंसर आ गया। C23 तो निकालना है भैया, यहाँ पर क्या है इसका, इसका कोफैक्टर निकाल लो आप भैया। एडजॉइंट क्या होता है, पहली चीज तो आप एडजॉइंट क्लियर करो, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स होता है यार, तो कोफैक्टर्स होता है, कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज करना होता है, तो आप क्या करोगे यार, C32 का निकाल लो कोफैक्टर्स, बस आ जाएगा आंसर। C32 इक्वल टू क्या आएगा, -3 -2 इक्वल टू -5, और माइनस बाहर तो भी तो आएगा C32 में, सॉरी +5, ठीक है? जब इसको मान लो यहाँ पर याद ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, इस पूरी मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, देन फिर भी आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के देख लो इसका पाइप आएगा। सर सर हाँ बोलो सर, आंसर तो आ गया, पर सर वहां पे 10b की जगह 1/b/10 की सर वैल्यू देनी चाहिए थी तो आता है आंसर। मतलब नहीं समझे मैं आपका, मतलब सर जहाँ पे वो 10b की क्वेश्चन में सर हमको दी हुई है ना वो मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा 10b, हाँ 10b ठीक है, तो b इक्वल टू क्या लिख दिया, यहाँ पर a इनवर्स लिखा हुआ है तो a इनवर्स लिख दिया। अब a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/mod(a.adjoint)a ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए डॉट बी, अपन ने मॉड ऑफ ए क्या कर दिया, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। अब बेटा मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 10 रख दिया, 10.b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ 10.b की जगह अपन ने क्या लिख दिया, सिंपली लिख दिया यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, बस इतना ही करना है यार। अब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो अपन अल्फा वैल्यू पूछना है। अब अल्फा मतलब क्या है, ए का एडजॉइंट निकालोगे पूरा, बट पूरा अपन को निकालना नहीं, केवल यहाँ पर C32 है, C32 में अननोन दिया हुआ, तो C32 का निकालना, मतलब को फैक्टर्स निकालना है, ठीक है?
क्योंकि ये भी आपको पता होगा ना, जब आप इसका आप निकालोगे इसके बाद एडजॉइंट करोगे तो ट्रांसपोज भी लेना पड़ता है ना, एडजॉइंट सॉरी कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लोगे, तो यहाँ पर 2-3 के पोजीशन में दिया हो तो सी 3-2 के पोजीशन में आ जाएगा ना ट्रांसपोज के बाद। क्या सर पता नहीं चला क्या बोले बेटा? आप ऐसा करो आप इसका केवल ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है, इसका पूरा ट्रांसपोज निकालो, आप इसका पूरा ट्रांसफॉर्म निकाल लो, ए का ट्रांसफॉर्म निकालोगे देन आप कंपेयर कर लो नो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है और सॉरी इसका ट्रांसफॉर्म नहीं, इसका एडजॉइंट निकाल लो, इस मैट्रिसेस का आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो फिर इस मैट्रिसेस से कंपेयर कर लेना अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इतना सीखो। किसी ने निकाला पूरा एडजॉइंट ऑफ ए? मतलब ए वाले का शिफ्ट ट्रांसपोज करें और अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी वैसा मतलब सुना? बेटा पहले ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना यार, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तभी तो इसका निकाला मैंने। निकल आ गया अल्फा इक्वल टू 5 आ गया ना? हाँ सर आ गया। ठीक है बस इसका भैया तभी तो निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये दिया हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ ए कहां से निकालोगे, क्योंकि ए मैट्रिक्स दिया हुआ तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे ना तभी तो अल्फा आएगा। कर लो ये भी कर लो, हो गया क्या बच्चों? बोलो बेटा। यस सर। जैसे आपको समझ में आए या कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो डायरेक्ट क्या करेगा, यदि आप समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला था यहाँ पर डायरेक्टली आप केवल C32 निकाल लो। हाँ बोलो C32 वाला करो ना सर, वो नहीं पता चला वो अपने फॉर स्मार्ट बेटा C32 या 23 आप यहाँ पर आप क्या करोगे इसका आप को फैक्टर निकालो, इस वाले का इसका को फैक्टर निकालो इस एलिमेंट का क्या आएगा निकालो प्रथम, इसको हटाया इसको हटाया C23 का को फैक्टर -3 और 2 आ गया ना, यही दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। अब ये तो निकल आया बट इसका ट्रांसपोज भी तो करोगे, जब ट्रांसपोज करोगे तो यहां पर आ जाएगा ना एलिमेंट, देखो इसका एक कॉलम को जैसे ही आपने रोटेट किया तो यहाँ आ जाएगा ना, बोलो, इसलिए हमने सीधा सीधा C3 पर निकाला था। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया क्या अभी भी? बोलो प्रथम। अरे बेटा ये एलिमेंट क्योंकि अपन को ये चीज तो पता है ना कि को फैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ता है तभी एडजॉइंट ऑफ ए आता है, तो आप देखो यहाँ पर अननोन था ये अल्फा क्या है C32 की पोजीशन में अननोन है तो अननोन C32 की पोजीशन में है, अब ये देखो कि ट्रांसपोज के पहले C32 वाला होगा, C23 की पोजीशन अननोन है ना। अरे यार NB में अल्फा C23 की जगह आप इसका कर लो यार, ये क्या दिया हुआ है आप इसका करो यार, डायरेक्ट आप निकाल करो नहीं आप सच में कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, गलती कर दोगे जाके, तो टाइम लगे बट डायरेक्ट निकालो आप, ठीक है? मैं बता रहा हूं क्या होता है कि आप जब इसका एडजॉइंट सॉरी इसका कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो इसका कोफैक्टर आप ये चीज देख लो ट्रांसपोज के पहले ये, क्योंकि यहां पर ये वाला अननोन है तो ये वाला एलिमेंट मतलब यहां पर कहीं होगा तो ये वाला एलिमेंट यहां पर आएगा ट्रांसपोज के पहले, तो इसका आपको फैक्टर निकाल लो बस। समझ में आया? अब इसका आप जब को फैक्टर निकाल लोगे तो क्या आएगा, इसको हटाया -3 -2 और यहां पर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, तो यही चीज अपन लिखा हुआ है डायरेक्टली क्योंकि हमने ट्रांसपोज के बाद C32 लिख दिया है। क्लियर हुआ? यदि ये आपका क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं, या जिसको नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं हम पूरा करेंगे तो पूरा कर लो आप, जैसा कर सकते हो वो आपके ऊपर मर्जी है।
बेटा नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा इसमें आपका ऑलवेज माइंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट, इसका कोई फार्मूला, इसका कुछ भी नहीं होता है, इसको आपको देख के ही करना पड़ेगा। इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोर्ड के लिए है बेटा, बोर्ड में आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, आप इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन तो अपन करना, जैसे रो में क्या करते थे ऑपरेशन करते थे, कॉलम में कभी कभी ऑपरेशन करते थे, वैसे यहां पर क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा फाइंड ए इनवर्स, बोर्ड में डायरेक्टली बोल देगा फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंपटीशन में तो ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा, कंपटीशन में आपको इनवर्स मतलब होता होगा, आप कैसे भी करो, बट बोर्ड में पूछा जाता है, स्पेशली बोल दिया जाता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों ने शायद क्वेश्चन देखा भी हो, एनसीईआरटी में दिया होगा ऐसा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं दिया होता है, ठीक है। तो बेटा क्या करते हैं, अब इसमें रो में ऑपरेशन करना है, ठीक है, करो ऑपरेशन आप। अब इसको क्या करोगे आप, पहले अपन समझ लो इसको करना क्या है। देखो बेटा, एक ये ए दिया हुआ है, ए आप लिख लोगे इक्वल टू, यहां जब ए लिख लिया आपने, इसके यहां पर लिखोगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 sorry 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये बाजू में आपने क्या लिख लिया, इसके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, क्लियर है क्या। अब ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, तो यहां पर जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप ए का मल्टीप्लाई करा दो, ए मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं। तो ये सिंपली ए ही तो लिखा हुआ है, ए डॉट आई भी लिख सकते, लिख सकते कि नहीं, ये ए डॉट आई लिखा हुआ, ए को क्या लिख सकते, डॉट आई लिख सकते। अब ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये चीज दे रही। अब बेटा जो आप मैट्रिक्स ए में, जो ये मैट्रिक्स ए में आप इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो इसमें करेंगे, वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अब जब तो यहां पर आपको तब तक करना है जब तक इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपन ने ना बना ले। यदि इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बना लोगे, तब यहां पर एक ए इनवर्स इसका यहां इस साइड निकल आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बाद में जब ये आइडेंटिटी, ये ए इनवर्स टाइप का दिख जाएगा, तो आप ए को आप इधर भेज दोगे, तो क्या जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया। अब यहां पर इसमें आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको। अब इसको क्या है ना, इसका ना कोई शॉर्ट मेथड है ना कोई लॉन्ग मेथड है बेटा, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 1 by 1 आपको करना है। थोड़ा सा करो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसको आप ये सोच लो 1 0 1 1 1, यहां सब जगह 0 लाना आपको, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अब करो आपको, सर वापिस समझाओ ना एक बार बेटा। जब भी आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बोली जाए कि अपन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है, तो अपन करोगे क्या, आप करना क्या है, पहले आप ए इनवर्स मतलब जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए डॉट आई कर लोगे, ठीक है। ए को अपन लिखा रहने दो यहाँ पर, और आई मैट्रिक्स लिख लोगे। अब ए मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब इसके बाद आई डॉट ए, या ए डॉट आई करो या आई डॉट ए करो, अब आई डॉट ए लिख लोगे। अब इसको आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको
सारी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर दी जाए उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप इस मैट्रिक्स में करोगे, सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करोगे, ठीक है। देन आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये आपका ए इनवर्स दिखने लगेगा, ठीक है। अब समझ में आया। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, अब ये देखो आप लोग, जैसे अभी तक क्या करते थे, अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमिनेंट में करते थे ना, यहाँ पर रो में करना है वो सी में या सी वन में, इसमें कॉलम में नहीं करते, इसमें कॉलम में मत करना, इसमें कॉलम मत करना, केवल और केवल रो ही में करना, ठीक है। कई बच्चे कॉलम में भी कर देते, कॉलम में नहीं करना, इसमें केवल और केवल रो में ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। समझ में आया क्या, करो आप रो पे। अब रो पे ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर वन बने, इसके बाद ये सारे मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप के बने, करो बेटा थोड़ा सा माइंड लगाओ, फिर मैं बता रहा हूं कैसे करना है। देखो यार नहीं समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन में बताता हूं। यहां पर आप क्या करो, केवल और केवल रो पे ही करना है R2। देखो यहां पर 2 दिख रहा है, यहां पर 0 बनाना है, तो पहली चीज इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, R2 tends to R2 minus 2R1 करोगे क्या, कॉमा R3, इसको भी 0 बनाना, R3 tends to R3 minus 2R1, ये कर लो आप पहली चीज को, देखो अब क्या आएगा। और यही सेम चीज, ये दोनों ऑपरेशन आप इसमें भी करोगे, तो करो आप R2 माइनस टू आर वन, तो मतलब यहाँ सॉरी R1 तो वह चीज रहेगा, वन टू टू इक्वल टू आप यहाँ भी लिख लेना, ठीक है। अब इसमें R1 तो सेम रहेगा, अब R2 टाइम्स टू R2 माइनस टू आर वन, मतलब टू माइनस टू कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर R2 वन माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। यहाँ पर टू माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस टू। यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, R3 tends to R3 minus 2R1, मतलब 2 minus 2, 0, 2 minus क्या हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, minus 2, यहाँ पर 1 minus 4 कितना हो जाएगा, minus 3, equal to, अब यही दोनों ऑपरेशन आप आइडेंटिटी, सर ये तो आपने कॉलम के अलोंग किया, रो पे ही कर रहे हैं, कॉलम के अलोंग कर दिया क्या, हाँ सर कॉलम वाली आपने, yes, सर देखो वन टू टू आपने सेम रखा है, चलिए ठीक ठीक कोई बात नहीं, यस सर। बट नहीं ऑपरेशन तो यही करो आप, आर टू टेंस टू आर टू माइनस टू आर वन, यहां पर बटन डिफरेंट हो जाएगा, R2 tends to R2 minus 2R1, R3 tends to R3 minus 2R1। तो भैया यहाँ पर क्या करना है अपन को, R1 ऐसे लिख लेना, 1, 2, 2। अब R2 tends to R2 tends to R2 minus 2R1, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा क्या, 1 minus कितना आएगा, minus 3, 2 into 2, मतलब minus 2, R3 minus 2R1, 4 into 0 minus 2, सही है बेटा बोलो, क्योंकि अपन क्या मान लिया था, इसके इक्वल टू इस मैट्रिक्स इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लिया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के, ठीक है। अब यहां पर इसमें भी जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किए वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करोगे, क्या कितना है यहाँ पर, R2 tends to R2 minus R1, तो पहले R1 तो एज इज रखोगे, R2 minus R1, देख लेना थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बेटा, ठीक है।
ये चीज आ गई। अब इसके बाद क्या किसी को समझ में आ रहा है भाई? ये तो अपन 0-0 बन गया, अब क्या करें बोलो बेटा। इसके आगे किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है बोलो? बोलो बेटा R2। अब इसमें देखो 1 बनाना है यहां पर, तो क्या करोगे? R2 tends to minus 1 upon 3 R2, तो क्या आएगा 1 2 2 0 1 2 upon 3, यही आएगा क्या? 0 minus 2 minus 3। अब यही सेम ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना, 1 0 0 minus 2 by 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 by 3 minus 1 by 3 एंड 0 minus 2 0 1। अब इसके बाद क्या करना है बोलो बेटा? अब यहां पर ऐसा, अब देखो ये वाले भी जीरो बनाना है एलिमेंट, और ये वाला, इन दोनों को जीरो बनाना है, तो क्या करें? R1 tends to R1 minus 2 R2, ठीक है, R1 tends to R1 minus 2 R2 कर दे, हो जाएगा भैया ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह कुछ R3 में करें, R3 plus 2 R2 कर दे क्या? R3 plus 2 R2 क्या आएगा यहां पर? R1 tends to R1 minus 2 R2, तो क्या आएगा यहां से? R1 minus 2 R2 जीरो, यहां तो 1 रहेगा, यहां पर 0 हो जाएगा, और R3 tends to R3 यहां पर क्या रहेगा? 2 by 3। देखो इसके आगे क्या करेंगे, R1 tends to R1 minus 2 R2, तो R1 tends to R1 कर दिया यहां पर, -2 R2 कर दिया, 2 minus 2 0 हो गया, और 2 minus 2 by 3 कितना? 2 minus 4 by 3 कितना आएगा? 2 minus 4 by 3 6 2 by 3। अब इसके बाद यहां पर क्या आएगा? 0 1 और 2 by 3, इसको टच नहीं कर रहे। अब R3 tends to R3 plus 2 R2 इसको करो आप, तो यहां पर क्या आएगा? 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहां पर कितना आएगा? -5 upon 3। अब यही दोनों ऑपरेशन क्या करोगे आप? एलिमेंट्री में कर देते हैं, सेम करो ऑपरेशन, क्या होएगा? आप लोग भी अपनी कॉपी में करते रहिए, क्योंकि कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, 1 0 0 2 upon 3 नहीं, इसमें आप ऑपरेशन तो करो पहले। क्या आएगा? -1 upon 3 2 upon 3 0 2 upon 3 -1 upon 3 0 -2 upon 3 -2 upon 3 और 1 आ जाएगा। रिद्धि यहां तक बेटा सही है बोलो? अब आप क्या करो, R3 क्योंकि यहां पर 1 बना, R3 tends to 3 by 5 कर दो, 3 by 5 कर दो, यहां भी 1 हो जाएगा, हो जाएगा क्या? -3 by 5 कर दो, hence क्या आएगा यहाँ पर? 1 0 2 by 3 0 1 2 by 3 0 0 1 equal to -1 by 3 2 by 3 0 2 by 3 -1 by 3 0, यहां से कितना आ जाएगा? -3 by 5 करो इसमें, -2 upon 3 -3 into 5 कितना आ जाएगा? 3 upon 9 यही आएगा क्या? बोलो बेटा R3 में क्या आएगा? करिए आप -3
माइनस टू बाई थ्री डिवाइड बाई माइनस थ्री बाई फाइव करोगे, सॉरी मैं मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस थ्री बाई फाइव करो कितना आएगा, टू बाई फाइव, टू बाई फाइव एंड माइनस थ्री बाई फाइव, माइनस थ्री बाई फाइव इंटू माइनस टू बाई थ्री, यही आएगा ना, थ्री से थ्री कैंसिल आ जाएगा, टू बाई फाइव आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा बेटा, माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस थ्री बाई फाइव आएगा, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हुआ, टू अपॉन फाइव, टू बाई फाइव एंड माइनस थ्री बाई फाइव, यही आएगा क्या? Yes. अब इसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या बचा, अब अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर तो जीरो 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 कर दिया, यहाँ भी जीरो कर दिया, यहाँ जीरो हो जाए और यहाँ पर जीरो हो जाए, बस दो जगह जीरो और करना है, तो क्या करता है बोलो, क्या करते हैं, अब यहां पर मैं रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है, सर आर वन में आर वन माइनस आर टू कर दी, आर वन में आर वन माइनस आर टू, तो बेटा इससे कुछ बनेगा, क्योंकि अपन को देखना भी है चीजें, क्योंकि अपन को आना भी चाहिए, ये भी तो पहले वाले आई जैसा लाना है ना सर, हाँ पहले वाले इसको आई जैसे लाना है, हाँ तो हो जाएगा ना सर, तो आगे भी तो देखना पड़ेगा, इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, आर वन टेंस टू आर वन माइनस टू बाई थ्री आर थ्री कॉमा आर टू टेंस टू आर टू माइनस टू बाई थ्री आर थ्री, करो आप लोग क्या आ रहा है क्या आंसर, इसके बाद करो एक बार, कर लो बेटा, ये ऑपरेशन लगा के देखो आ रहा है क्या आंसर, यही सेम ऑपरेशन इसमें भी लगा देना, करो आप कुछ तो कर लिया करो यार, क्योंकि इसमें मैंने बोल रखा, क्योंकि एग्जाम तो आप ही को देना, और ये इसमें तो आपको ये है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, मैंने पहले ही बता दिया है, बोलो बच्चों क्या करोगे आप, हाँ सर वो आई के फॉर्म में आ जाता है, आ जाता है ना, यस सर, यहां पर लिख दूं मैं डायरेक्टली, रिद्धि आ रहा है क्या बेटा, हाँ सर आ गया, इसमें भी आप रेशम लगाओगे, इसमें क्या आ रहा है, यहां पर बताओ क्या आ रहा है, बोलो बेटा, इसमें भी तो ऑपरेशन यही दोनों ऑपरेशन लगाओ, हाँ सर उसमें बाकी है, हाँ तो लगा के बताओ क्या आ रहा है, यही आपका जो यहां पर आ जाएगा वही आपका इनवर्स होगा, ठीक है कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, करो सारे बच्चे, देखो अभी इसको मैं कराता रहा हूँ, इसके बाद से एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है इसके बाद ज्यादा नहीं कराना, क्योंकि बट बेटा आपको मैं बोर्ड में, जैसे देखो बोर्ड में आ गया तो क्या आपको लगता है कर पाओगे, इतना भी कर लो आप बोर्ड में, नया क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो क्या कर पाओगे बोलो, मुझे तो नहीं लगता सर मैं कर पाऊंगा, हाँ तो रिद्धि क्या कर पाओगे आप लोग बोलो बेटा, सर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ सही है, यदि बेटा ना हो, देखो मैं जिस बच्चों के लिए बता रहा हूँ, यदि ना हो बोर्ड में, भाई मेरे से तो कभी नहीं होता है, आज भी मैं रियलिटी बता दूं, नया क्वेश्चन देख लूं तो मेरे को भी तो 20 मिनट सोचना पड़ जाए, अब ये क्वेश्चन तो मेरे सब कराए हुए हैं तो मुझे पता है, नया क्वेश्चन जो मुझे पता है देखो मैं रियलिटी बता देता हूँ यार, देखो इसमें क्या करना है आपको, मैं क्या करता था जब मैंने बोर्ड दिया, मेरे में भी आया था 6 मार्क्स का आया था क्वेश्चन, भाई मेरे मैंने भी दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जामिनर के साथ चीटिंग किया, चीटिंग कैसे किया, मुझे पता था कि मेरे को तो ये भी पता था कि भाई मेरे को 100 out of 100 लाने भी है, और ये भी मुझे पता था कि एलिमेंट्री क्वेश्चन आ जाएगा वो भी मेरे से जल्दी से नहीं होने वाला है, तो क्या किया मैंने,
पहले आप ए इनवर्स ऐसे निकालना आता है क्या भैया? ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, उसका मैंने ए इनवर्स वन अपॉन मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए से निकाल लिया, रफ में निकाल लिया यार, उसका आंसर निकाल के मैंने रख लिया। अब मैं उसमें केवल रो ये वो सारी कैलकुलेशन करता रहा, करने के बाद यही रख दिया और एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया, नंबर भी दे दिया, क्योंकि एग्जामिनर पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका एक एक एलिमेंट्री तक देखेगी क्या कर रहे हो आप। मैंने ऐसे कर दिया था। यदि आप लोगों को भी लगता है कि नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस करो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही कर देना यार। और मुझे नहीं लगता नंबर कटने वाले हैं जल्दी से, और कट भी जाएंगे तो एक दो नंबर कटेंगे, ज्यादा नहीं कटने वाले, मतलब सिक्स का है तो सिक्स में फोर नंबर तो दे ही देगा एग्जामिनर, दया कर। समझ में आया प्रथम? तुम्हारे लिए खुशखबरी है इस चीज की कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है? बोलो कैसे किया सर? अभी पता ही नहीं चल पाया क्या बोल गया मैं। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप क्या करोगे, ए इनवर्स आप जैसे निकालते हो, ए इनवर्स का जो फार्मूले से निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वैसे आप निकाल कर रफ में रख लेना। इसके बाद उसमें कुछ समझ में आ रहा है तो कर देना एक दो, मतलब सही सही ऊपर का, जैसे मतलब ये वाला मैंने जैसे देखो यहाँ पर कहीं किया था ना, एक दो स्टेप मैंने सही किया, इसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर देना, इसका डायरेक्टली जो आंसर उसको पुट कर देना, ठीक? अब क्लियर हो? सर अब क्लियर हो गया ना कैसे करना, बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, बट ऐसे आप एक से दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, ठीक है? आप बुक उठाना या उसके मॉड्यूल में आपके दिए होंगे, एनसीईआरटी में दिए होंगे, एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अब देखते हैं आगे को, कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा इजी है। इसमें क्या डेफिनेशन पहले लिख लो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ए स्पेसिफिक, ए स्पेसिफिक पॉलीनोमियल, ए स्पेसिफिक पॉलीनोमियल इक्वेशन नोन, इक्वेशन नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है? सी एच ए आर ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब इसमें क्या करना होता है पहले ये देखते हैं। इसमें थोड़ा सा तो थ्योरी लिख के इसको क्वेश्चन समझते क्या करते हैं इसमें। P lambda equal to A minus lambda I, A equal to 0, ठीक है? इसको आप नोट करो, देन इसको क्वेश्चन समझते क्या करना होता है इसमें। सिंपल, इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, देखते एग्जांपल पहले देख ही लेते हैं बेटा। एक एग्जांपल आप समझते हैं, इफ A equal to, एक मैट्रिक्स दे दिया गया आपसे 1 2 2, वही मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 2, आगे क्या था बेटा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1, प्रूव दैट, आपसे प्रूविंग बोला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 i इक्वल टू 0, आपको प्रूव करवाया है कि ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 i इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स तो कैसे करोगे भाई? ऐसे अपन करने बैठ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, मतलब टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा। ये आपने क्या किया यहाँ, आपको ऐसी कोई इक्वेशन, सर एक मैट्रिक्स ए दी गई है, आपसे बोल दिया गया प्रूव दैट करो ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 i इक्वल टू नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ऐसे तो क्या ऐसे करने बैठ जाओगे? नहीं करोगे, ये ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करने बैठोगे तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे हम। तो यहाँ से क्या बोला गया, ए माइनस लेमडा आई मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई, इसका मतलब होता है जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसमें आप क्या करोगे माइनस लेमडा आई करोगे, बस इतना करना होता है इसमें। मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, पी लेमडा इक्वल टू पी ऑफ लेमडा इक्वल टू ए माइनस लेमडा आई, यहाँ पर किया हम, तो यहाँ पर आप क्या करना है कि केवल केवल डायगोनल के एलिमेंट देखोगे, डायगोनल में आपको क्या करना है
ए माइनस लेमडा आई, मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट है वो और माइनस लेमडा आई कर देना, जैसे मतलब वन माइनस लेमडा आई, टू 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 वन माइनस लेमडा आई, टू 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 वन माइनस लेमडा आई, इतना करना है आपको। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू जीरो कर दोगे या पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो कर दोगे। अब क्या करना है, अब इसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है क्या? ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का सॉल्व करना तो हमें आता ही है। डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व कर लोगे इसके बाद देखोगे आप कुछ इस टाइप का दिखेगा, करके देखो एक बार। सर इसमें सर कुछ ऐसा नहीं करना होता कि वो जो फाई आई वाला है उसको सर आरएचएस की साइड ले जाकर फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई? नहीं, उसमें कुछ नहीं करना ऐसा, बस इसका भी सिंपल सा फार्मूला, जैसे इस टाइप का कुछ आया कभी पूछे तो क्या करोगे आप, इक्वल टू आपको ए माइनस लैम्डा आई कर देना, मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट हो तो उसमें माइनस लैम्डा आई कर देना, देन आप निकाल लेना आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब इसमें आप करिए, अब बेटा आप ऐसा करो इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले, R1 वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, डायरेक्ट मत करने लगा, तो सॉल्व कर लो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा वन टू फाइव, फाइव प्लस टू कितना होता है, सॉरी वन टू थ्री प्लस टू कितना, फाइव, फाइव माइनस लेमडा आई का मतलब आई तो लेमडा है, आई बात एक ही, ठीक है, यहाँ पर टू और टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा टू फाइव टू, यहाँ पर कितना आएगा, R1 में कर दिया, अरे यार मैं कॉलम में बहुत जल्दी करने लगता हूँ, यहाँ पर R1 में करना है ना अपन को, R1 tends to 5 minus lambda, यहाँ भी 5 minus lambda, 5 minus lambda, 2, 1 minus lambda, 2, 2, 2, 1 minus lambda, ये डिटरमिनेंट चल रहा है भाई यहाँ पर, मैट्रिसेस नहीं चल रहा आप लोग, मैट्रिक्स का साइन में बनाया हूँ, डिटरमिनेंट चल रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ ना डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, फाइव माइनस लेमडा कॉमन ले लो यार, क्योंकि डिटरमिनेंट में उनको प्रॉपर्टी पता है भैया कि कोई एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, यहीं पर ले लो आई माइनस लेमडा कॉमन, लेको क्या आ जाएगा ऊपर, वन वन वन, टू वन माइनस लेमडा, टू 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 वन माइनस लेमडा, ठीक है, ये चीज आई क्या? जब आपको ये चीज आ गया तो आप इसके बाद आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लोगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना तो आप क्या करोगे, सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी वन कर लेना, सी टू माइनस सी वन कर लेना, और सी थ्री टेंस टू सी टू माइनस, तो एक ही केवल बचेगा यहाँ पर, लगा देते हैं थोड़ा सा, सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी वन कर लो एंड सी थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी वन कर लो, तो क्या आएगा, फाइव माइनस लेमडा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो बेटा, सी टू माइनस सी वन, सी वन तो एज इट इज रहेगा, वन टू टू, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस वन माइनस लेमडा जीरो, एंड सी थ्री माइनस सी वन करोगे, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा, एंड माइनस वन माइनस। अब आप इसके थ्रू एक्सपेंड कर दो, इसके थ्रू जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, फाइव माइनस लेमडा वन, इसको हटाया इसको हटाया क्या आएगा, वन प्लस लेमडा का स्क्वायर, माइनस माइनस देखो माइनस दोनों कॉमन ले लोगे तो स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और माइनस इसको हटाया वन जीरो, यहाँ पर सिंपली कितना आया, सॉरी फाइव माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा का स्क्वायर, यही है क्या बोलो बेटा, इक्वल टू जीरो। अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो यार, फाइव माइनस लेमडा वन प्लस टू लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अब आप सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने के बाद देखो क्या आ रहा है, कुछ इस टाइप का आ रहा है क्या,
लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या? बोलो बेटा। अब लैम्डा आपने क्या माना था, लैम्डा की जगह आप क्या रख दोगे, ए टेन पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई डॉट इक्वल टू। सारे क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही करना, और कोई नया तरीका इसका नहीं, ठीक है। पहले क्या करोगे, कोई एक मैट्रिसेस दिया रहेगा तो उसको क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई कर दोगे, ठीक है। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें लैम्डा माइनस लैम्डा आई कर दोगे, इसके बाद डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे और देखना जो भी प्रूफ करवाया होगा आपका इस तरह का दिख जाए। सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं? सर टेक्स्ट बुक में अलग दी हुई है मेथड। मेथड अलग दिया कोई बात नहीं, अपन को इजी मेथड देखना है ना। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया सर, 5 माइनस लैम्डा इनटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसके बाद बेटा इसमें मल्टीप्लाई करा दो बस। मल्टीप्लाई कराने के बाद मुझे पता है ना कि यही आंसर आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, और फिर देन लैम्डा की जगह आप ए रख दो, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक कौन पढ़ने लगा बोलो, बताया हुआ है आपका सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 आई इक्वल टू 0 और हेंस फाइंड ए इनवर्स पूछा गया, तो इनवर्स के लिए क्या करोगे बोलो, इनवर्स सर मल्टीप्लाई करके देखा तो अलग आता है सर। अलग आ रहा है? नहीं बेटा अलग तो नहीं आएगा, कर लो। लैम्डा क्यूब नहीं आएगा सर? लैम्डा क्यूब आएगा तो आप ऐसा, अरे यार यहाँ से एक ये भी कर दो ना, ये 1 प्लस लैम्डा जो है इक्वल टू 0 की तरह भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आ जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू 5। वहां पर ऐसा करो, मैं भूल गया था, तो आप ऐसा करो 1 प्लस लैम्डा भेज दो 0 की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको देखना है एक ऐसा ही क्वेश्चन, ये नोट करो क्वेश्चन, इसके बाद देखना है एक ऐसा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको करना है ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही सेम करना है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है उस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में देखना क्या बोला गया, इफ ए इक्वल टू 100011 0 -2 और 4, ए इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड आई इक्वल टू आपको पता है क्या होता है 100010001, ठीक है। अब आपसे पूछा गया एंड ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, ये आपसे पूछा गया सी और डी की, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, ऐसे क्वेश्चन है ये जेई में लास्ट ईयर आया था। अब देखो इसको क्या करोगे आप, सिंपली क्या करना है, पहली चीज तो मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा कर देना है भैया, क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 -2 4 -1, यही करोगे क्या बोलो बेटा। अब इसके बाद डायरेक्टली आप इसमें डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे डायरेक्टली आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे, इसके बाद फिर आप इक्वेट कर लेना डायरेक्टली, 1 माइनस लैम्डा कॉमन लोगे, आप ये भी कर सकते हो 1 -1 लैम्डा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर एक नया डिटरमिनेंट आ गया वो, तो 1 से 1 - लैम्डा कॉमन ले लो यार, फिर भी उतना ही तो बाहर तो दिया ही हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉमन लेने से, तब क्या आएगा इसको हटाया 1 - लैम्डा 4 - लैम्डा माइनस
प्लस का माइनस माइनस का हो जाएगा टू वन माइनस लैम्डा क्या करोगे टाइम आप सॉल्व करो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो देखो क्या आ रहा है यदि यहां पर बेटा फोर की जगह आप ऐसा करो फोर की जगह यदि वन रख लो तो क्या ज्यादा ही हो जाएगा क्या मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें डाउटफुल चीजें लग रही हैं क्योंकि क्वेश्चन रिद्धि यही आ रहा है अब आप ऐसा करो पहली चीज तो आप ये जो यहाँ पर सिक्स को रहने दे दो सिक्स को आप इधर ही रखो और बाकी सब कुछ उधर दे दो कर लो आप सिक्स इक्वल टू कितना आएगा लेमडा क्यूब माइनस सिक्स लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा सॉरी इलेवन लेमडा यही आएगा क्या बोलो अब ये आ गया अब आप इसमें ऐसा करो लेमडा की जगह ए पुट कर दो आप सिक्स इक्वल टू ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस इलेवन ए अब आप ऐसा करो इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो सिक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस इलेवन सिक्स का डिवाइड कर दो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा वन अपॉइंट सिक्स ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस इलेवन आई आई को इलेवन को यहाँ पर ना लिखो करो ऐसे इलेवन आई कर दो सी डी की वैल्यू कितनी आई सी इक्वल टू माइनस सिक्स डी इक्वल टू इलेवन समझ में आ गया क्या बोलो बोलो बेटा यस सर आपने क्या किया भैया यहाँ पर ये सिक्स लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब माइनस इलेवन लेमडा प्लस सिक्स भैया आप इसको क्या करो सिक्स इक्वल टू कुछ इसको भी देखते हुए किया करो सिक्स इक्वल टू लेमडा क्यूब माइनस सिक्स लेमडा स्क्वायर प्लस इलेवन लेमडा कर लोगे तो क्या करोगे आप लेमडा की जगह पुट कर दो ए ए पुट कर दो लेमडा की जगह तो क्या आएगा सिक्स इक्वल टू ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस इलेवन ए अब आप क्या करोगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दोगे ये तो पता है ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो सिक्स ए इनवर्स आ जाएगा ए क्यूब ए इनवर्स कितना आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर ए इनवर्स कितना आएगा ए आ जाएगा और ए डॉट ए इनवर्स कराओ कितना आएगा आई आ जाएगा ठीक है बस आप सिंपली सी और डी की वैल्यू निकालो क्या सारे बच्चों क्लियर हुआ बोलो बच्चों क्या कोई डाउट हो अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो बोलो बेटा नहीं सर कोई डाउट नहीं आपको ऐसे इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं करना आपको जैसे ये क्वेश्चन देखोगे आप आपको केवल इससे इतना ही करना होता है ठीक है आप नोट कर सकते हो अब मैं कुछ क्वेश्चन कुछ कराता हूं क्वेश्चन बोला गया है बेटा ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी सेटिस्फाई पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आप लोग जान चुके हो लिखने की भी जरूरत नहीं है ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ पी एन इक्वल टू आप लोग देखना अभी तुरंत कर लोगे पी एन इक्वल टू फाइव आई माइनस एट पी इफ पी एन इक्वल टू फाइव आई माइनस एट पी देन एन इक्वल टू व्हाट ऑप्शन दिए हुए थे इसमें शायद मुझे बनाना पड़ेगा पी ए फोर कर लो बी सिक्स कर लो और सी फाइव कर लो और डी कर लो आप सेव करो
क्या करोगे पहले अप्रोच बताओ, आप लोग क्वेश्चन देखो देन अप्रोच बताओ मुझे पहले। बेटा क्या बोला गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी सेटिस्फाइड पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ पी एन इक्वल टू फाइव पाई माइनस एट पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। रिद्धि बेटा अप्रोच बताओ पहले आप, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा बस। देखो ऐसा करते हैं, प्रथम को समझ में आ रहा है क्या क्या करना है बोलो। नो सर। रिद्धि जागृत जैनम सैल को समझ में आ रहा है क्या करना है सर? सर हम पी रेस टू फोर को ऐसे ही कुछ करेंगे, बट बेटा आप डायरेक्टली करोगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है? आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फंसोगे। आप क्या करोगे, एक एक स्टेप इसको आप उठाया है, ठीक है? आपका अप्रोच गुड बेटर बेटा अच्छा है। पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी, आप इसमें p का मल्टीप्लाई करा दो, p क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, p i माइनस p आ जाएगा। तो p i या p भी लिख सकते हो, p i लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर केवल p लिख लो, p माइनस p स्क्वायर। अब बेटा p स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ, i माइनस p दिया हुआ, लिख दो आप p माइनस i माइनस p, तो यहाँ से p क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, पी क्यूब इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पी माइनस कितना आएगा, टू पी माइनस आई, यही आएगा पी क्यूब। अब एक बार फिर से पी आप मल्टीप्लाई करा दो, पी की पावर फोर इक्वल टू कितना आएगा, पी टू पी माइनस आई इक्वल टू टू पी स्क्वायर माइनस पी, पी की पावर फोर इक्वल टू, पी की पावर फोर इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा टू, पी स्क्वायर कितना है आई माइनस पी, फिर रख दो आप माइनस पी, कितना आएगा बेटा पी की पावर फोर इक्वल टू 2i माइनस 2p माइनस p। आप थोड़ा सा ऐड करो, p4 इक्वल टू कितना है बेटा 2i माइनस 3p, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना। अब फिर से p मल्टीप्लाई करो, p5 इक्वल टू p 2i माइनस 3p, p5 इक्वल टू 2pi, ये 2pi i लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है 2p माइनस 3p स्क्वायर, p की पावर 5 इक्वल टू टू पी माइनस थ्री आई माइनस पी, ठीक है p 5 इक्वल टू कितना आएगा 2p माइनस 3 प्लस 3, p 5 इक्वल टू कितना आया यहाँ से 5t माइनस 3i, ठीक है? एक बार फिर p, क्योंकि देख लो यहाँ पर कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा अभी, एक बार फिर p से जब तक ना दिखे तब तक आप करते चले जाओ, फिर से एक बार p 6 आ जाएगा तो कितना आएगा p 5p माइनस 3i, पी सिक्स इक्वल टू कितना है बेटा 5p स्क्वायर माइनस 3p, p स्क्वायर की वैल्यू रख दो यार, p सिक्स इक्वल टू 5i माइनस p माइनस 3p, p सिक्स इक्वल टू 5i माइनस 5p माइनस 3p, आ गया क्या आंसर 5i माइनस 8p, शायद अपन को यही पूछा था, तो मतलब n की केस वैल्यू पे आ रहा है, इनकी सिक्स हो रुपया है, समझ में आया क्या प्रथम पटेल? यस सर समझ में आ गया। यदि कभी आपको ऐसा दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा तो कर लोगे ना, बोलो ये इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये क्वेश्चन आज के टाइम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, नोट करो। रिद्धि आपने जो बताया है ना P4 वाला, उसे आप एक बार करके देखना, तो फिर मेरे को बताना वो आंसर आया था कि नहीं आया था। एक बार उसे करना,
बेटा दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप करके लाना। लेट एम इक्वल टू ए आई जे 3x3 वेयर ए आई जे इक्वल टू -1/1 फाइंड डी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एम। बेटा आपको क्या बोला गया है, एक डिटर्मिनेंट 3x3 का है, एक मैट्रिसेस क्या है 3x3 की है। आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एम, मतलब इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम, जैसे मान लो आप यहाँ पर क्या लिखोगे और उसमें जो एलिमेंट वन है ए आई जे की जगह आप क्या भर सकते हो, या तो आप -1 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। समझ में आया क्या, पहले क्वेश्चन समझो ये क्या बोला गया है। लेट एम इक्वल टू ए आई जे 3x3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें केवल और केवल -1 और 1 ही एलिमेंट भर सकते हो पूरे एलिमेंट में, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स में -1 और 1 एलिमेंट भर सकते हो। देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एम, इसके ऑप्शन भी मैं दे रखा हूँ, इसको करना आप, इसमें पॉसिबिलिटी बनाना। थ्री पॉसिबिलिटी क्या बनाओगे, जैसे मान लो यहाँ a11 a12, तो इसका पहले डिटरमिनेंट लिख लोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या लिख लोगे, a11 जो भी अपना करके देखना, फिर उसमें आप 1 -1 रख के देखना है पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। वैसे ही करना है ना कि जैसे कि m के जगह एक बार सारे -1 रख के वैल्यू फाइंड करे और 1 रख के वैल्यू फाइंड करे। नहीं बेटा आप देखो यहाँ पर a11 a12, यहाँ पर पहले आप लिख लो, पहले a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, आपको ये चीज पूछिए। अब ये चीज दिया हो तो आपको इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, रो वन के खिलाफ इसको हटा क्या आएगा, a22 a33 -a32 a23। अब देखो यहां पर आप 1 रख सकते हो -1, यही दोनों एलिमेंट आप पूरी मैट्रिसेस में रख सकते हो। अब यहां पर आप पॉसिबिलिटी बनाना क्या आएगा, a12 और मैक्सिमम वैल्यू आपको डिटरमिनेंट की चाहिए, इसको हटा क्या आएगा, a21 a33 -a31 a23 +a13, इसको हटा क्या आएगा, a21 a32 -a31 a22, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां तो आपको डायरेक्टली दिख गया -1 ही रखना पड़ेगा, -1 रखोगे तभी +1 होगा, तभी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या समझ में आया, प्रथम आप क्या करना है, आप देखो यहां पर रख के अब यहां पर आप निकाल लोगे क्योंकि अपन को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको मैक्सिमम करना है भैया, तो आप देखो यहां पर 1 और -1 आप रख के देखो, ठीक है, क्या आ रहा देख लेना आप। कहां पर 1 -1 बोला सर, अरे यार ये डिटरमिनेंट की जहां पर a11 की जगह -1 या 1 रख के देखो भैया, डिटरमिनेंट का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है बस, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैक्सिमम आए आपको कुछ ऐसा अरेंज करना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, आप अरेंज कुछ भी करो बट मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी ये देखना है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एम, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिख लो, इफ ए इज ए 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो आपको डायरेक्टली मैंने बता रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है, रिद्धि कितना होता है, इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नो चलो मुझे ये दो क्वेश्चन लगे हैं ढंग के, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, a³ -2
टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू आई इक्वल टू जीरो इफ ए इक्वल टू व्हाट? ए ऑप्शन आई, बी ऑप्शन टू आई, सी ऑप्शन टू माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो 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 वन जीरो डी ऑप्शन टू वन माइनस टू वन जीरो 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 वन जीरो। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अलावा मैं और सारे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कल अभी। ठीक है, इनको तो आपको होमवर्क में करके लाना है।